क्यों वापस आना चाहती है आईएसआईएस की जिहादी दुल्हन? क्या सीरिया से ब्रिटेन लौट पाएगी शमीमा बेगम? महज 15 साल की उम्र में आईएसआईएस की दुल्हन बनने वाली शमीमा बेगम अब सीरिया से लौटना चाहती है। शमीमा 15 साल की उम्र में ही ब्रिटेन से भागकर आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल हो गई थी, लेकिन अब वो कभी ब्रिटेन नहीं लौट पाएगी क्योंकि शमीमा के ब्रिटेन वापस लौटने के सभी रास्ते अब बंद हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। 15 साल की उम्र में साल 2015 में ब्रिटेन से भागकर आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ने वाली शमीमा बेगम की ब्रिटिश नागरिकता की अपील को खारिज कर दिया गया है। लंदन में जन्मी बांग्लादेशी मूल की शमीमा बेगम को सीरिया से वापस लौटने के लिए ब्रिटिश नागरिकता की जरूरत है, जो अब शायद ही शमीमा बेगम को मिल पाएगी क्योंकि ब्रिटेन की कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया है कि शमीमा भले ही दूसरों के बहकावे में आई हो, लेकिन सीरिया जाकर आईएसआईएस से जुड़ने के लिए शमीमा ने खुद सोच समझकर ही फैसला लिया था, जिसके बाद शमीमा के ब्रिटेन वापस लौटने के सभी रास्ते अब बंद हो चुके हैं। दरअसल 2022 में ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने शमीमा को वापसी की इजाजत न देने का फैसला सुनाया था। फरवरी 2023 में शमीमा ने स्पेशल इमिग्रेशन अपील कमीशन में इस फैसले को चुनौती दी थी, जिसे वो हार गई। इसके बाद शमीमा कोर्ट ऑफ अपील पहुंची, जहां जजों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। शमीमा बेगम इस वक्त सीरिया के एक डिटेंशन कैंप में रह रही है। उनका तर्क है कि उन्होंने आज तक सीरिया जाने की वजह से सिर्फ एक ही कानून तोड़ा है। वो खुद कभी भी आईएसआईएस के किसी भी प्लानिंग या हमले का हिस्सा नहीं रही। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि शमीमा बेगम फिर आखिर सीरिया में आईएसआईएस के लिए करती क्या थी? इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आप पहले ये जान लीजिए कि आखिर शमीमा बेगम है कौन। शमीमा पूर्वी लंदन से आईएसआईएस में शामिल होने के लिए 2015 में सीरिया गई थी। उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ। उनके माता पिता बांग्लादेशी मूल के हैं। शमीमा ने इस्लामिक स्टेट के एक लड़ाके से शादी कर ली थी। इस शादी से उनके 3 बच्चे पैदा हुए, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचा। राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर 2019 में उनसे उनकी ब्रिटानी नागरिकता ले ली गई। अभी शमीमा बेगम उत्तरी सीरिया में बने एक शिविर में रह रही हैं। फिलहाल एक निजी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में शमीमा ने कहा था कि वह आईएसआईएस आतंकियों की ओर से बंधकों के सिर काटे जाने वाले वीडियो से काफी इंस्पायर हुई थी। साथ ही उसे लगता था कि आईएसआईएस के साथ उसे लग्जरी लाइफ जीने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, कहा जाता है कि 2019 में पहली बार शमीमा को सीरिया के रिफ्यूजी कैंप अल हॉल में देखा गया। शमीमा ने 2021 में गुहार लगाई थी कि उन्हें ब्रिटेन लौटने दिया जाए, लेकिन अब शमीमा ब्रिटेन कभी नहीं लौट पाएंगी। शमीमा ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार ने मेरी नागरिकता छीन ली है, मैं अब कहीं नहीं जा सकती। 15 साल की उम्र में जब मैंने ब्रिटेन छोड़ा, तब कुछ दोस्तों ने मुझे बहका दिया था, लेकिन अब मुझे उसका पछतावा है। यानी अब शमीमा बेगम आईएसआईएस में जाने पर पछता रही हैं। लेकिन एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिलहाल अब सभी रास्ते शमीमा बेगम के लिए बंद हो गए हैं। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी की ऐसे नागरिकता गई हो, क्योंकि ब्रिटेन में कड़े नियम बनाए गए हैं जिससे ब्रिटेन की नागरिकता वापस ली जा सकती है। इसलिए जल्दी से आपको ये नियम भी हम बता देते हैं। दरअसल सरकार के पास अलग अलग परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की नागरिकता वापस लेने का अधिकार है। किसी ने धोखाधड़ी से नागरिकता हासिल की हो तो नागरिकता को वापस लिया जा सकता है। अगर व्यक्ति की हरकतें ब्रिटेन के हितों को नुकसान पहुंचाती हैं तो भी नागरिकता को वापस लिया जा सकता है। अलकायदा या इस्लामिक स्टेट समूह जैसे प्रतिबंधित संगठनों के साथ कोई जुड़ता है तो भी नागरिकता को छीना जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत ब्रिटेन की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। फिलहाल अलग अलग देशों में किसी देश की नागरिकता देने और लेने का अलग अलग नियम है। जैसे अमेरिका में पैदा हुए लोगों की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती, क्योंकि अमेरिका संविधान में नागरिकता की गारंटी जन्मसिद्ध अधिकार है।
वहीं ऐसे अमेरिकी नागरिक जो कहीं और से आकर अमेरिका में बस गए हैं, ऐसे लोगों की नागरिकता किसी प्रतिबंधित समूह या सदस्य के होने और धोखाधड़ी कर नागरिकता हासिल करने पर छीनी जा सकती है। वहीं बात अगर ऑस्ट्रेलिया की करें तो ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी नागरिक की दोहरी नागरिकता पाई जाती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। ग्रीस, फ्रांस और रोमानिया सहित 14 यूरोपीय संघ के देशों में देशद्रोह, बगावत और राष्ट्रीय सुरक्षा के अन्य कारणों से नागरिकता को वापस लिया जाता है और नीदरलैंड में तो बिना किसी सूचना के नागरिकता को वापस लिया जा सकता है। यानी अलग अलग देशों के नागरिकता छीनने के अपने नियम हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा नागरिकता ब्रिटेन में छीनी गई है। ब्रिटेन गृह मंत्रालय के मुताबिक 2010 और 2022 के बीच 220 लोगों की नागरिकता को छीना गया। सबसे ज्यादा 107 लोगों की नागरिकता 2017 में छीनी गई। वहीं 2022 में सिर्फ 3 लोगों की नागरिकता छीनी गई थी। सभी मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया और शमीमा बेगम के मामले में भी यही हुआ, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास ब्रिटेन की नागरिकता है तो उसके पास वहां रहने का कानूनी अधिकार होता है, उसे सरकार की कल्याण योजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलता है, उसके पास मतदान का भी अधिकार होता है, नागरिकता किसी व्यक्ति की पहचान भी होती है। लेकिन अब शमीमा बेगम की ब्रिटेन की पहचान लगभग खत्म हो चुकी है, जो अब कभी भी वापस नहीं आने वाली, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि आईएसआईएस के साथ आज तक जो भी जुड़ा है उसके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं रह गया है और शमीमा बेगम के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत।